और दोस्तों आज के स्टडी में हम स्पाइस मनी, स्पाइस सफर, स्पाइस मनी B2B के बारे में बात करने वाले। आपको अगर से स्पाइस मनी, स्पाइस सफर का पोर्टल अगर से लेना है तो आपको जो ये वीडियो जो तो आखिर तक पूरा देखना चाहिए, ताकि आज के स्टडी में जो तो मैं आपको स्पाइस मनी का जो पोर्टल है उसके बारे में जो तो पूरा डिटेल जो तो आज के स्टडी में आपको मैं देने वाला हूँ। स्पाइस मनी में जो तो आपको कौन कौन से सर्विसेज जो तो देखने को मिलता है, आपको जो तो किन सर्विसेज पे कितना जो है पर कमीशन मिलेगा, स्पाइस मिनी पोर्टल लेने के लिए आपको ये तो कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर स्पाइस मिनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है मतलब कि आपको जो किस तरीके से स्पाइस मिनी का जो तो CSP AEPS जो तो आपको लेना है, यह सारी बातें आज के स्टडी में जो तो होने वाली। तो आपको भी अगर से स्पाइस मिनी का पोर्टल जो तो लेना है तो आपको जो तो ये वीडियो जो तो आखिर तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको जो तो इसका जो तो पूरा डिटेल जो तो पता होना चाहिए। स्पाइस मनी में कौन कौन सा सर्विसेज आपको मिलता है, इसमें आपको किस तरीके से कमीशन मिलता है, इसके जो तो मतलब कि स्पाइस मनी का जो CSP है उसको जो तो लेने के लिए कितना चार्ज लगता है, ताकि आपके साथ जो है तो कोई बंदा जो तो ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह जो तो नहीं ले। तो आपको जो तो एक ही पूछ रहा है कि आपसे मेरी आप जो इस वीडियो पर आखिर तक जरूर देखो, ताकि आपको पता चल सके इसका जो तो किस तरीके से रजिस्टर प्रोसेस होता है, इसमें आपको कितना कमीशन मिलता है, इसमें कौन कौन सा सर्विसेज आपको देखने को मिलता है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं जो तो आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता और वीडियो सीधा आगे बढ़ता हूँ। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो, ताकि जब भी कोई इस तरीके का ऑडियो में बनाओ थोड़े सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं है। तो इसके लिए जो आप जो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जो इसी तरीके के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जो तो मेरे चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं, स्पाइस मनी का अगर से आपको अगर से CSP या फिर AEPS का सर्विस अगर से आपको लेना है स्पाइस सफर का, तो यहाँ पर जो तो मैं जो तो इसका जो तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आपको अगर से स्पाइस मनी का पोर्टल अगर से लेना है तो आपको जो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो तो डिस्क्रिप्शन में जो तो मिल जाएगा, और वीडियो में जो तो आपको मेरा नंबर जो तो दिख रहा होगा। आप जो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके जो तो स्पाइस मनी का जो CSP होता है या AEPS जो तो स्पाइस सफर का होता है जो पोर्टल होता है, तो आप जो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप जो तो ये जो तो CSP ले सकते हो। इसका प्राइस की अगर से मैं बात करूँ तो इसका रजिस्ट्रेशन फीस आपको जो यहाँ पर जो 1000 रुपीज लगेगा, मतलब कि 1000 रुपये जो तो आपको स्पाइस मनी, स्पाइस सफर का पोर्टल यहाँ पर जो तो मिल जाना है। अब मैंने जो तो आपको बता दिया, या फिर जो तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका चार्ज मैंने आपको बता दिया। अभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी, तो यहाँ पर जो तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, उसके बाद में जो तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो तो 4-5 डॉक्यूमेंट आपने जो तो मुझे व्हाट्सएप पे जो है तो सेंड कर देने। आप जो तो मुझे कॉल करके भी जो तो डिटेल निकाल सकते हो, उसका पूरा डिटेल जो तो स्पाइस मनी, स्पाइस सफर पोर्टल का पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मैं जो तो प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्पाइस मनी, स्पाइस सफर पोर्टल पे आपको कितना सर्विसेज यूज करने को मिलता है, कौन कौन से सर्विसेज यहाँ पर जो तो आप दे सकते हो आपके शॉप से। तो सबसे पहले सर्विस की अगर से मैं बात करूँ तो वो है AEPS। आप जो है तो कस्टमर का आधार से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, आधार एनेबल सिस्टम से जो तो आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम होता है उस तरीके से जो तो आप आधार से जो तो किसी भी कस्टमर का 10,000 तक जो तो विड्रॉ कर सकते हो। इस पर आपको जो तो अच्छा खासा कमीशन यहाँ पर जो तो मिलेगा। उसके बाद में दूसरा सर्विस की अगर से मैं बात करूँ तो मिनी ATM का सर्विस, यहाँ पर जो तो ATM से भी जो तो कस्टमर का पैसा जो तो विड्रॉ करके जो तो कस्टमर को जो तो पैसा दे सकते हो, उस पर भी जो तो यहाँ पर आपको जो तो कमीशन मिलेगा। स्पाइस मनी जो तो दो जो तो मिनी ATM जो तो प्रोवाइड करता है, एक जो तो छोटा होता है मतलब कि उससे जो तो आप 2000 तक जो तो विड्रॉ कर सकते हो, और जो तो वहाँ पर आपको 1000 के विड्रॉल पर 4 रुपीज का कमीशन मिलता है। उस डिवाइस का प्राइस जो तो मिनी ATM का प्राइस जो तो तकरीबन 5000 यहाँ पर जो तो आपको लगने। और जो तो एक दूसरा डिवाइस है स्पाइस मनी का, स्पाइस सफर पोर्टल का, उस डिवाइस का प्राइस आपको जो यहाँ पर 7000 लगेगा। उस डिवाइस से आप जो तो कस्टमर का जितना कार्ड का लिमिट होता है उतना जो तो आप कस्टमर का विड्रॉल करके जो तो दे सकते हैं, मतलब कि कस्टमर का कार्ड का लिमिट अगर से 50,000 है तो आप जो तो उस कार्ड से जो है तो 50,000 जो तो कस्टमर को निकाल के दे सकते हो। और जो AEPS का जो कमीशन है वही कमीशन आपको जो तो उस डिवाइस में मिलेगा, मतलब कि जो AEPS में जो आपको कमीशन मिलता है आधार कार्ड से पैसा निकालते हो, तो उसका जो कमीशन है वही कमीशन आपको जो मिनी ATM जो डिवाइस आप लगा हुए 7000 का, वही कमीशन आपको जो तो उस डिवाइस में मिलेगा आप अगर से ATM से कस्टमर का पैसा निकालते हो। तो उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप जो तो मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज भी जो तो कर सकते हो। यहाँ पर जो तो आपको आप अगर से कोई भी रिचार्ज करते हो मतलब कि, तो यहाँ पर जो तो आप अगर से 200 का रिचार्ज करोगे उसके ऊपर का, तो यहाँ पर आपको 2% का यहाँ पर जो तो कमीशन मिलेगा। और आप अगर से 200 रुपीज के नीचे का अगर से रिचार्ज करते हो तो यहाँ पर आपको 0.75 रुपीज का कमीशन मिलेगा। और उसके बाद जो है तो आप अगर से जियो का अगर से रिचार्ज करते हो तो यहाँ पर आपको जो तो 5% कैशबैक यहाँ पर जो तो मिलेगा, मतलब कि 5% का यहाँ पर आपको कमीशन यहाँ पर दिया जा रहा है। मतलब कि जो का अगर से आप 100 रुपीज का रिचार्ज करते हो स्पाइस मनी, स्पाइस सफर पोर्टल से, यहाँ पर आपको 5 रुपीज का कमीशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो तो आप डिटेल्स रिचार्ज भी कर सकते हो, उस पर भी आपको यहाँ पर जो तो कमीशन मिलेगा। उसके अंदर डाटा कार्ड का रिचार्ज कर सकते हो, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी
बिल जैसे आप पे कर सकते हो, उसके लिए पोस्टपेड बिल भी ऐसे आप भर सकते हो, गैस बुकिंग भी ऐसे आप जो तो कर सकते हो, पैन कार्ड भी ऐसे आप जो है तो मतलब कि नया पैन कार्ड बना सकते हो, उसके लिए पैन कार्ड का करेक्शन भी आप ऐसे जो तो कर सकते हो, उसके बाद ऐसे जो तो उसके बाद में होटल बुकिंग, उसके बाद में रेलवे टिकट, उसके बाद में बस टिकट वगैरह का बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, इस तरीके से जो तो जितना बुकिंग होता है उसके बाद में इस तरीके का जो तो सारा फैसिलिटीज आप जो तो स्पाइस मनी स्पाइस सफर पोर्टल से जो तो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, और इन सारी सर्विसेज के यहाँ पर जो तो आपको कमीशन भी मिलने वाला है। तो मैंने जो तो आपको पूरा सर्विस जो तो अच्छी तरीके से बता दिया, इसका जो तो चार्जेस आपको स्पाइस मनी स्पाइस सफर पोर्टल अगर से लेना है इसका जो तो 1000 रुपीज चार्ज आपको जो तो लगने वाला है, आपको जो तो यहाँ पर वन टाइम फी देना है, उसका नहीं लाइफ टाइम इन सर्विसेज को यूज करना है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन इसमें जो तो आपको स्पाइस जो सफर पोर्टल है, स्पाइस मनी के जो पोर्टल है, यहाँ पर जो तो आपको मंथली का एक चार्ज देना पड़ेगा जो कि होगा 59 रुपीज का। ये तो स्पाइस मनी का रूल है कि आप जो तो सर्विसेज यूज करते हो उसके लिए आपको 59 रुपीज का यहाँ पर जो तो मंथली चार्जेस आपके वैलेट से जो तो मंथ के मंथ में जो तो काटा जाएगा। और उसके बाद में जो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो तो मेरा नंबर भी दे दिया, आप जो तो मुझे कॉल करके ये तो पूरा डिटेल जो तो निकाल सकते हो, इससे जो तो मैं अच्छा डिटेल आपको जो तो व्हाट्सएप पे आपको दे दूंगा या फिर आपको कॉल पे भी जो तो मैं आपको अच्छा सारा डिटेल जो तो अच्छी तरीके से समझे दूंगा। तो यही है स्पाइस मनी का पूरा सर्विस, इस तरीके से कमीशन मिलता है क्या, जो तो मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल जो तो दे दिया। आप मुझे कमेंट प्लेस करके जरूर बताओ आप जो तो कौन सा CSP कौन सा पोर्टल वगैरह यूज करते हो, और आपको जो तो स्पाइस मनी पोर्टल किस तरीके से जो तो लगता है, मतलब कि आप जो तो इस पोर्टल से सहमत हो या फिर नहीं। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जब भी कोई इस तरीके का वीडियो में बनाओ थोड़े सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं तब तक के लिए, देखते रहिए टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल।